हेलो दोस्तों, मैं एस के पटेल और आप देख रहे हैं कैरियर गेनर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में CISF फायरमैन के बारे में बात करने वाले हैं। आप लोगों के कई तरह के डाउट आ रहे थे PT PST को लेकर के, कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, तो इसमें सारे इंस्ट्रक्शन हम पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। तो चलिए, इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले है इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कुल 18 इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और इसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पूरा इंस्ट्रक्शन मैं आपको पढ़ के बताऊंगा और समझाऊंगा। तो नंबर एक में है कि ई प्रवेश पत्र, यानी आपका जो ईमेल एडमिट कार्ड है, ठीक ना, एडमिट कार्ड, उसको डाउनलोड करना है और इसको जीरक्स निकलवा करके उस पर एक रंगीन फ़ोटो जो तत्काल का हो उस पर चिपका के लेके जाना है। दूसरा इंस्ट्रक्शन ये कहता है कि अगर कोई महिला फीमेल कैंडिडेट है, अगर वो पुरुष बन के अगर ये फॉर्म अप्लाई की हुई थी और उनका जो है कि ई प्रवेश पत्र आ गया है, एडमिट कार्ड आ गया है, तो उन्हें PST और PET के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा, ठीक है, अगर पुरुष नागरिक के लिए ही केवल ये वैकेंसी है। तीसरा है कि अगर कोई विज्ञान संकाय से पास हो वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता था, लेकिन अगर दूसरे कर दिए हैं तो उन्हें भी इसमें मान्यता प्राप्त नहीं होगा, उन्हें PT PST नहीं दिया जाएगा। वो जो 12th पास होंगे वो भी विज्ञान संकाय से, उन्हीं को PT PST देने का मौका दिया जाएगा। भर्ती के दिन केंद्र पर अभ्यर्थी को जो है 6 बजे पहुँच जाना है, ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम आपका 6 बजे है और भर्ती प्रक्रिया 6:30 से स्टार्ट हो जाएगी। पांचवा पॉइंट है ई प्रवेश पत्र जो है आपका, उसे ध्यान से जांच ले, अगर उसमें कोई अगर आपको गड़बड़ी लग रही है तो आप जो है कि CISF की वेबसाइट पे जाके नोटिस बोर्ड में इसको नोटिस कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि ये गड़बड़ी है। अपने पासपोर्ट साइज, ठीक है, 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो कलर जो तत्काल का हो वो लेके जाना है आपको, ठीक है। और छठा है कि इसमें आपको जाति, निवास और क्या बोलते हैं शैक्षणिक, जो आपके मूल शैक्षणिक योग्यताएं हैं 10th और 12th के, ठीक है, जिसमें होते हैं मूल प्रमाण पत्र होते हैं, 12th जो पास है आपका, मार्कशीट हुआ, ये जितने भी सारे डॉक्यूमेंट हैं मूल प्रमाण पत्र 10th और 12th के, ठीक है, वो आपको लेके जाने हैं दस्तावेज को, और सभी का एक एक फ़ोटो कॉपी आप दो दो करवा लें, ठीक ना, सबका दो दो फ़ोटो कॉपी करवा के 2 फाइल में डाल के उसको ले करके जाएँ। 7वां पॉइंट कहता है कोई भी फोटो युक्त पहचान पत्र, यानी कि कोई भी आपका जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, कोई भी आपको जिस पे आपका फ़ोटो लगा हो और आपका पहचान बताता हो, ठीक है, वो आपको एक आईडी प्रूफ लेके जाना है सेंटर पे। 8वां नंबर पॉइंट कहता है कि आपका जो ई प्रमाण पत्र एडमिट कार्ड है उसका रख रखाव और सुरक्षा का जिम्मेदारी आपका होगा, अगर वो एडमिट कार्ड लेके दूसरा कोई अगर यूज करता है, कोई बहुत यूज करता है, तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, ठीक ना। 9 नंबर पॉइंट यार क्या करें मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, तो 10 नंबर देखते हैं आपको, अगर आप लोगों को पता होगा कि क्या कहना चाह रहा है तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में, ताकि दूसरे को भी हेल्प मिल सके और मैं भी सीख सकूं। 10वां नंबर पॉइंट कह रहा है आप लोगों को जो है कि इलेक्ट्रॉनिक कोई भी डिवाइस हो, मोबाइल हो, गैजेट हो, घड़ी हो, ठीक है, चाहे कीमती वस्तु हो, ये आपको नहीं लेके जाना है। 11वां इंस्ट्रक्शन देखते हैं, अगर आप शैक्षणिक प्रमाण पत्र किसी और भाषा में हिंदी और इंग्लिश के अलावे, तो उसके लिए आपको अनुवाद ट्रांसलेट करवा के लाना होगा ताकि वो लोग समझ सकें। अगर आपका जो है कि केंद्रीय बोर्ड के अलावा, ठीक है, शैक्षणिक योग्यता किसी और भारत सरकार के अधिसूचना के लिए उद्घोषित किया गया है, तो आप उसके लिए जो है कि विश्वविद्यालय भारत सरकार की अधीन सेवा के लिए मान्यता प्राप्त है या नहीं है, इसके लिए आप सरकार से उद्घोषणा करवा के लाना होगा भारत सरकार से, ठीक है। और 13 नंबर कह रहा है भूतपूर्व सैनिक के मामले में, ठीक ना, उत्तर पुस्तिका यानी एनेक्सर 8 के अनुसार शपथ पत्र और रक्षा सेवा में धारित आरक्षण अग्रिम पद में निचले पद सेवा करने पर इच्छा प्रमाण पत्र लाएं, अगर उन्हें इच्छा प्रमाण पत्र देना होगा कि मैं इस निचले पद पे जॉब करना चाहता हूं, ठीक है, इसके लिए उन्हें बनवा के लाना होगा। आपको विशेष स्थल दिनांक तथा समय पर रिपोर्ट करना सुनिश्चित करना चाहिए, ठीक है, और नहीं तो अगर आप सुनिश्चित समय पर जिस दिन आपका एडमिट कार्ड पे डेट दिया गया है उस दिन अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा, PT PST आपको इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने का मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। 15 नंबर इंस्ट्रक्शन देखते हैं, PET PST के लिए बुलावा पत्र है जो एडमिट कार्ड आपका है, PT PST के लिए बुलावा पत्र,
तीन अग्निपद के लिए अंतिम चयन न समझे, मतलब कि आपका जो एडमिट कार्ड आया है पीटी पीएचटी के लिए इसे अंतिम चयन न समझे। इसके आगे आपका रिटन टेस्ट भी है और मेडिकल टेस्ट भी होगा, उसके बाद ही आपका जो है कि अंतिम चयन होगा। 16 नंबर इंस्ट्रक्शन कहता है आपको भर्ती स्थान पर एक दो दिन जब रुकना पड़ सकता है तो इसके लिए CISF फायरमैन जिम्मेदार नहीं होगा, इसके लिए उसका खर्चा आपको खुद उठाना पड़ेगा, इसकी तैयारी खुद करके आपको आनी पड़ेगी। इसमें कहता है कि जो अयोग्य पाए जाते हैं PhD और PET में फेल हो जाते हैं उन्हें आगे के मापदंडों में भाग नहीं लेने दिया जाएगा, तथा अगर आप इसमें गलत अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाए जाते हैं तो भी आपको जो है कि PTPST से बाहर कर दिया जाएगा। जैसे कि बहुत सारे होते हैं रनिंग पास करने के लिए रेड बुल वगैरह पी लेते हैं, ठीक ना, तो ये सब का सेवन आपको नहीं करना है, या दवाई ववाई ले लेते हैं, सुई ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। 18 नंबर इंस्ट्रक्शन ये कहता है कि अगर अभ्यर्थी केंद्र पर रिपोर्टिंग करने से पहले आरक्षण और एनेक्चर मतलब अग्नि 2021 के अनुसार जो सूचना दिया गया है उसमें अपने मापदंड को जाँच ले, परख ले और समझ ले, उसके बाद ही फिजिकल देने आए केंद्र पर। तो कैसा लगा ये वीडियो, अपनी राय जरूर दें, और उम्मीद करते हैं कि PTPHD रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट रिलेटेड आपके सारे डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अपने सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर